I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री। बैठो पुत्र। हस्तिनापुर से कब आना हुआ? बस चला ही आ रहा हूं पिताश्री। एक तो आप दोनों के चरण स्पर्श करने के लिए मन व्याकुल था और एक विशेष बात भी करनी थी। बात क्या इतनी विशेष थी पुत्र कि स्नान के बाद तनिक विश्राम तक भी नहीं रुक सकती थी? यदि रुक सकती पिताश्री तो स्नान और विश्राम के उपरांत ही आता। अच्छा अच्छा, तो कहो क्या बात है। नहीं पहले ये बताओ तुम्हारी बुआ कैसी हैं? बुआ तो इंद्रप्रस्थ में है माताश्री। युधिष्ठिर के नाम का डंका बज रहा है। परंतु ये सब बातें तो तुम अर्जुन से पूछ चुकी हो प्रिये। अर्जुन, क्या वो यहाँ है? हाँ, कृष्ण के भवन में ठहरा हुआ है। कृष्ण ने उसका प्रस्ताव तो नहीं रखा? प्रस्ताव? तब तो ठीक है। क्या ठीक है? वो है क्या माताश्री कि मैं वहां हस्तिनापुर में लगातार सुभद्रा के ही विषय में सोच रहा था और डर रहा था कि मेरे आने से पहले आप लोग उसके विवाह की बात कहीं पक्की ना कर दें। तो क्या कोई विशेष वर है तुम्हारे ध्यान में? विशेष जैसा ही विशेष। वो तो ऐसा है माताश्री कि आज सारा भारतवर्ष उसी की ओर देख रहा है। अच्छा, ऐसा कौन है? ऐसा तो एक ही है पिताश्री। परंतु वो है कौन? हस्तिनापुर का युवराज महारथी दुर्योधन मेरा शिष्य भी है। परंतु? और स्वयं उसी ने मुझसे विनती की है माताश्री। परंतु कुंती दीदी को ये अच्छा लगेगा? बुरा क्यों लगने लगा? राज्य के विभाजन के पश्चात तो अब कोई झगड़ा रह ही नहीं गया है माताश्री। परंतु विभाजन तो किसी समस्या का समाधान नहीं है पुत्र, क्योंकि विभाजन ने तो दोनों की ही सीमाओं को छोटा कर दिया है और सीमाएं घटने से कोई संतुष्ट नहीं होता। परंतु मैंने तो दुर्योधन को लगभग वचन दे दिया है पिताश्री। अब तुमने वचन दे दिया है तो प्रणाम दाऊ। आयुष्मान भव, लगता है दुर्योधन ने बहुत ही जी लगा के सेवा की है। एक शुभ समाचार सुनो पुत्र, बलराम ने तुम्हारी चहेती सुभद्रा के लिए बहुत ही अच्छा वर खोज लिया है। हाँ कृष्ण, बधाई हो। मैं जानता था माताश्री कि दाऊ इतने दिनों के पश्चात आए हैं तो सभी के लिए कोई न कोई उपहार तो अवश्य ले आएंगे। मेरे लिए आप क्या ले आए दाऊ? देख लिया पिताश्री, बात चल रही थी सुभद्रा के लगन की और ये अपने को बीच में घसीट लाया। इतना लोभ नहीं करना चाहिए कृष्ण। अपने दाऊ से कुछ मांगने में लोभ का क्या प्रश्न है? इसे लोभ नहीं कहते दाऊ, स्नेह कहते हैं। देखो कृष्ण, बातों में ना फंसाओ। तुम्हारे आने से पहले हम लोग एक गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। ये तो मैं तभी जान गया था जब किसी ने मुझे बताया कि रथ से उतरते ही आप सीधे पिताश्री के कक्ष की ओर चले आए, तभी तो मैं लपका चला आया हूँ। मैं तो माताश्री और पिताश्री को बता रहा था कि मैंने दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह लगभग पक्का कर दिया है। अपने घर के इस चंद्रमा को जाना तो चंद्रवंशियों में ही चाहिए दाऊ। लीजिए पिताश्री, अब तो कृष्ण भी मान गया, अब आपके यहाँ कहने में क्या आपत्ति है? परंतु ये निर्णय उठते सूर्य के साथ लेने चाहिए दाऊ कि सुभद्रा के जीवन में सदैव धूप छिटकी रहे। ये भी ठीक है, कल निर्णय लेंगे पुत्र। देखो कृष्ण, तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं भला क्या गड़बड़ करूंगा दाऊ, वो भी सुभद्रा के जीवन में। ये आपने सोचा ही कैसे? और आप भी उसका बुरा थोड़ी चाहेंगे। कृष्ण ठीक कहता है बलराम, और ये समझ लो कि ना तो हम करने वाले नहीं और हाँ कल सवेरे कहेंगे। अब तुम भी जाके विश्राम करो। आयुष्मान भव। पार्थ? किशोर आप? हाँ मैं ही तो हूँ, मेरे अतिरिक्त भला और तुम्हें कौन जगाएगा? बड़ी आपात स्थिति का सामना है।
क्या दाऊ पर वाण चलाओगे? दाऊ पर? सब बताता हूं, परंतु पहले स्थान ग्रहण करने के लिए तो कहो। आप कब से किसी के कहने की प्रतीक्षा करने लगे केशव? मैं आपका, ये भवन आपका, ये संसार आपका, और फिर बस बस बस, आपात स्थिति में बातें करनी चाहिए कम और सुननी चाहिए अधिक। संक्षेप में कहूं तो स्थिति यह है कि दाऊ चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए। दुर्योधन से? तो फिर मेरे लिए क्या आदेश है केशव? आदेश का क्या प्रश्न है, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यदि विवाह की अभिलाषा हो और यदि कन्या भी वही चाहती हो, परंतु विवाह के रास्ते में कोई ऐसी अड़चन हो, तो क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि कन्या का हरण कर लो, क्योंकि यह कन्या का हरण नहीं, उसका वरण है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं सुभद्रा का हरण कर लूं? मैं कुछ कहने वाला कौन पार्थ, मैं तो बस क्षत्रिय धर्म बतला रहा था। जैसी आपकी आज्ञा। मैंने सुना है सुभद्रा कल सवेरे रैवतक पर्वत पर पूजा के लिए जा रही है। ये आपसे किसने कह दिया भ्राताश्री? मैं तो कल पूजा के लिए नहीं जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये सुना होगा कि तुम दुर्योधन की वधू बनकर हस्तिनापुर जा रही हो। ये आप क्या कहते हैं भ्राताश्री? वही जो मैंने सुना है। किससे सुना है? दाऊ से। और ये तो तुम जानती हो कि वो केवल गरजते नहीं बरसते भी हैं। उन्होंने पिताश्री और माताश्री को लगभग मना भी लिया है। वो तो ठीक समय पर पहुंचकर मैंने उनके मान जाने को कल तक के लिए टाल दिया है। परंतु मैं तो दुर्योधन से कभी विवाह नहीं करूंगी। यदि तुम्हारा ये निश्चय अटल है तो कल सवेरे पूजा के लिए जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। अपने जीवन के विषय में आज्ञा पालन नहीं किया जाता सुभद्रा, निर्णय लिया जाता है। यदि तुम कल सवेरे पूजा के लिए जाओगी तो अर्जुन अवश्य तुम्हारा हरण कर लेगा। दाऊ, सुखी रहो।
क्या कहीं युद्ध पर जा रहे हो? नहीं दाऊ, आखेट पर जा रहा हूँ। अच्छा, सुना आप हस्तिनापुर से लौट आए हैं, तो सोचा जाने से पहले आपके चरण स्पर्श कर लूं। तुम भाइयों की सेवा भाव से तो मैं अति प्रसन्न हूं अर्जुन। जाओ, विजयी हो। प्रणाम दाऊ। आओ मित्र, आओ। प्रणाम केशव। दाऊ से मिलाए? हाँ, मिलाया। उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक था। अब जाओ, परंतु इसका पूरा ध्यान रखना कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है, उसके स्वभाव में बड़ी आंच है। सुभद्रा हरण से कहीं कठिन लक्ष्य है सुभद्रा का द्रौपदी से मिलन। इसका पूरा प्रयत्न करना कि सुभद्रा के आने से द्रौपदी का मन मैला न हो। वो तुम पांचों भाइयों की पत्नी अवश्य है, परंतु स्वयंवर तुम्ही ने जीता था पार्थ। परंतु ये तो निश्चय है कि वो सुभद्रा का स्वागत तो नहीं करेगी। स्वागत भी करेगी, यदि तुम ये ध्यान में रखोगे कि सुभद्रा तो मेरी बहन है ही, परंतु द्रौपदी भी मेरी बहन समान ही है और मुझे बहुत प्रिय भी है। यदि सुभद्रा का तुम्हारे साथ जाना आवश्यक न होता तो मैं तुम्हें सुभद्रा हरण का सुझाव ही न देता। परंतु ये न सोच लेना पार्थ कि तुम दोनों के प्रेम से विवश होकर मैं सहायता कर रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं केशव। अभी तुम्हारा यह समझना आवश्यक भी नहीं है। सुभद्रा तुम चंद्रवंशियों के भविष्य की धरोहर है। जाओ पार्थ, मेरा रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रणाम केशव। एक और बात सुन लो पार्थ, इस यात्रा में सारथी सुभद्रा को ही बनाना। सुभद्रा को? हां, यह यात्रा तुम्हारी नहीं उसकी है। जैसी आपकी आज्ञा। Thank you.